दोस्तों को जय हिंद वंदे मातरम। तो बड़ी खुशखबरी है और बड़ी जानकारी है एसएसवी हेड कांस्टेबल 115 पोस्टों के लिए। तो दोस्तों यदि आप लोग एसएसवी हेड कांस्टेबल 115 पोस्ट में ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तो समझ लीजिए आज आप लोगों के लिए बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। सारी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे कि फिजिकल कब होगा। दोस्तों ऑलरेडी पीछे वीडियो में हम बता दिए थे कि आप लोगों का फिजिकल किस दिन होगा, एडमिट कार्ड किस दिन आएंगे। और दोस्तों बस एक ही चीज आप लोगों से कहना है कि तैयारी में लग जाइए, रनिंग शुरू कर दीजिए। दोस्तों बता दे कि रनिंग जो इसमें आप लोगों का है वह 1600 मीटर है, समझ गए 1600 मीटर। दोस्तों पिछले बार जो भर्ती आई थी उसमें रनिंग 3200 मीटर था, समझ गए। तो चलिए सारी चीजें डिटेल्स में बात करेंगे कि फिजिकल आप लोगों का कब होगा, किस दिन से शुरू होगा। जो हम आप लोगों को बताए थे कि 3 अप्रैल से सूचना मिल रही है फिजिकल के लिए। तो दोस्तों अभी आप लोगों को बता दें कि एसएसवी के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जहां पर नोटिस चलता है एडमिट कार्ड का, वहां से सारा डाटा को क्लियर कर दिया गया है, समझ गए। सारा डाटा को क्लियर कर दिया गया है, किसी भी वक्त किसी भी दिन आपका फिजिकल डेट का नोटिस वहां पर लग सकता है, समझ के दोस्तों। सारी तैयारी हो रखी है, बस इसलिए थोड़ा सा वेट है कि एसएसबी ट्रेड्समैन 1522 पोस्टों का फिजिकल खत्म हो जाए। फिजिकल खत्म होते ही आपका एडमिट कार्ड और फिजिकल का डेट अनाउंसमेंट एसएसबी के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। आप लोग भी जाके एसएसबी के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए जो पहले ऑप्शन आता था ऊपर चलता था एसएसबी ट्रेड्समैन 1522 पोस्टों के इतने इतने एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, अब उसको हटा दिया गया है। तो दोस्तों अब बारी है आप लोगों की। तो चलिए दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते थे, दोस्तों मैं बता दूं कि पिछले बार भर्ती में मैं सारा प्रोसेस क्लियर किया हूं। आप लोग ये देख सकते हैं मेरा ये फिजिकल का एडमिट कार्ड है, देख लीजिए ये मेरा फिजिकल का एडमिट कार्ड है। नरकटियागंज बिहार में मेरा फिजिकल हुआ था, आप लोग देख लीजिए। और फिर देखिए मेरा लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड है, आप लोग देख लीजिए। लेकिन मेरा टाइपिंग का एडमिट कार्ड भी है। लेकिन दोस्तों बता दें कि जो मेरा पुराना फोन था 2019 का जो हुआ था 2020 में, जो मेरा पुराना फोन था वो फोन से ये एडमिट कार्ड मेरा डिलीट हो गया और मेरे पास जो एडमिट कार्ड बचा है केवल 2 ही एडमिट कार्ड बचा है। एक आप लोग देख सकते हैं ये, और एक देख सकते हैं ये जो हम लोगों का यहाँ पर दिल्ली में टाइपिंग कराया गया था, कुछ बच्चों का लखनऊ में भी टाइपिंग कराया गया था, समझ गए दोस्तों। तो सारी चीजें इसमें हम बताएंगे कि एसएसबी हेड कांस्टेबल 115 पोस्ट कितना आसान है, क्वेश्चन कितना इजीली आता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें दोस्तों कि 3 अप्रैल आप लोगों का फिजिकल का डेट रखा गया है। यदि कुछ बदलाव हो जाता है, कुछ परेशानियां आ जाती है तो डेट आगे भी जा सकती है, लेकिन आप लोगों का फिजिकल अप्रैल में ही होगा। ये कान खोल के सुन लीजिए, आप लोगों का फिजिकल अप्रैल में ही होगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन यहां पर वेट किया जा रहा है एसएसबी ट्रेड्समैन 1522 पोस्टों का फिजिकल खत्म होने का। तो दोस्तों बस मतलब कि समझिए कि 5 दिन और बचा है, बस 5 दिन हम लोगों को इंतजार करना है और इस 5 दिन के अंदर में एडमिट कार्ड डाउनलोड डेट और फिजिकल डेट एसएसबी के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बता दें सबसे पहले इसमें आप लोगों को रनिंग होगा, 1600 मीटर रनिंग होगा, पैर में चीफ लगा के रनिंग कराया जाएगा, मतलब चीफ बांध के रनिंग कराया जाएगा। एडमिट कार्ड आधार कार्ड आपको फिजिकल में लिया जाएगा और फिजिकल पूरा आसान होता है। यदि आप लोग अभी से प्रैक्टिस करना करने में लग जाइएगा ना तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग रिजेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इतना मतलब हल्का वहाँ पर फिजिकल होता है। एसएसबी के जो भी जवान होते हैं कार्यरत, वो आपको बहुत हौसला अफजाही करते हैं कि चलो भाई इस बार ये करना है वो करना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपका फिजिकल कराया जाएगा। यदि आपका चेस्ट कम है तो आपको वहां पर मौका भी दे दिया जाएगा, 80 से जो 85 चेस्ट लग रहा है आपको मौका भी दे दिया जाएगा। दोस्तों मैं जब फिजिकल सेंटर के अंदर गया था तो मुझे कुछ तो आज हम बात करने वाली हैं भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी सीईई एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों इस बुक में आप लोगों को सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, तर्क शक्ति, साथ में 100% न्यू सिलेबस पर आधारित 2400 बहुविकल्पीय प्रश्न, बेस्ट प्रैक्टिस सेट और 50 सोल्व पेपर आप लोगों को इस बुक के साथ दिए जाते हैं अग्निवीर जीडी भर्ती परीक्षा सीईई एग्जाम 2023 के लिए। दोस्तों इस बुक के साथ आप लोगों को अग्निवीर एनईआर जीडी
अग्निवीर क्लर्क एसकेटी जीडी, अग्निवीर एनआर ट्रेड्समैन और अग्निवीर सैनिक टेक्निकल का बुक भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोग इस बुक को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कुछ पता नहीं था तो मैं वहां पर मतलब किसी के मतलब कोई अंदर कुछ खाना लेके नहीं गया था, लेकिन वहां पर खाने का भी समय दिया गया कि कुछ खा लो पी लो। जब चेस्ट यदि जिसका कम है तो बिस्किट खा लो, केला खा लो, सेब खा लो, अंगूर खा लो, अंदर लगा हुआ था जहां पर पैसा देकर आप खरीद कर मतलब कि खा सकते हो यदि आपका चेस्ट कम है। यदि देखिए हम कि चेस्ट जिसका कम था उसको पुशअप भी लगवा रहा था, जो पुशअप लगा रहा एसएसबी ट्रेड्समैन 1522 पोस्टों का फिजिकल की बात करें तो अभी भी जिसका चेस्ट कम है एसएसबी यहां पर मौका दे रही है कि आप पुशअप लगा लो, 2-4-5 पुशअप लगा लो ताकि आप हमारे कैमरे में आ जाओ रिकॉर्ड में, जो हम आपका चेस्ट मापे तो आपका परफेक्ट हो। समझ गए दोस्तों, इतना आप लोगों को हेल्प कर रही है। तो दोस्तों एसएसबी हेड कांस्टेबल में फिजिकल पहले 3200 मीटर था 74 पोस्ट के लिए, जब मैं फिजिकल पास किया था नरकटियागंज बिहार में मेरा फिजिकल हुआ था, समझ गए। अब 1600 मीटर कर दिया गया है, पेपर दो था, जो मेरा पेपर पटना में हुआ था दो पेपर हुआ था, फर्स्ट और सेकेंड, समझ गए। तो इस बार केवल फर्स्ट पेपर कर दिया गया है, देखिए कितना आसान है। तो दोस्तों इस बार आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो तैयारी हम भी कराएंगे, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी की मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर है, यदि आप लोग क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं आगे चलकर तो टेलीग्राम का लिंक हम नीचे दे रहे हैं, ज्वाइन हो जाइए। मेरे पास अभी भी पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर है और आप लोगों ने मेरा एडमिट कार्ड देख ही लिए होंगे फिजिकल का और लिखित परीक्षा का, समझ गए दोस्तों। तो सारी चीज हम आप लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग में सबसे ज्यादा बच्चे मतलब कि छट जाते हैं। मेरे पास भी टाइपिंग उतना क्लियर नहीं था, मैं टाइपिंग को मतलब कुछ पता नहीं था। दोस्तों आप लोग यदि एसएसबी हेड कांस्टेबल में आपका फिजिकल लिखित परीक्षा कंप्लीट है तो आप लोग भी टाइपिंग अभी से लग जाइए, क्योंकि समय नहीं देती है। जैसे फिजिकल पास कीजिएगा 2 महीना के बाद रिटेन, और रिटेन का एडमिट जैसे ही आएगा लिखित रिजल्ट, पहले आंसर किया आता है फिर रिजल्ट आता है, जैसे रिजल्ट और आंसर किया आएगा फटाफट आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। तो टाइपिंग में लग जाइए यदि इसमें जॉब लेना है तो, मैं बता रहा हूं टाइपिंग करना है तो इसमें यदि जॉब लेना है तो टाइपिंग वाले लग जाओ अभी से। यदि आपको जिसमें भी मन है हिंदी या इंग्लिश, आप वहां से पूछ लिया जाएगा कि आप हिंदी में करना चाहोगे या इंग्लिश में, समझ गए दोस्तों। तो आप यदि हिंदी में करना चाहोगे तो अभी हिंदी की तैयारी कर लो, इंग्लिश में करना चाहोगे तो इंग्लिश की तैयारी आप कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को अप्रैल में फिजिकल है, 3 अप्रैल को बताया जा रहा है टेंटेटिव, कुछ जानकारी हमें सूचना मिली है और एडमिट कार्ड बहुत जल्द अनाउंसमेंट किया जाएगा और बहुत जल्द आप लोगों का फिजिकल का जो डेट है वह भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को घबराना नहीं है, तैयारी में लग जाइए। और जिस भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म में आपका माताजी का पिताजी का नाम गलत है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, केवल आपका डॉक्यूमेंट फिजिकल में एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लिए जाएंगे, बाकी कुछ नहीं लिया जाएगा, समझ गए। तो आप लोगों का अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, यदि आपका आधार कार्ड में आपका एडमिट कार्ड सेम होना चाहिए, तो आपका आधार कार्ड में यदि आपका नाम गलत है माताजी का पिताजी का नाम तो उसको ठीक करवा लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों का एडमिट कार्ड और फिजिकल का डेट जैसे ही अनाउंसमेंट होता है फटाफट हम वीडियो बनाकर बता देंगे। काफी स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि भाई एक बार एसएसबी हेड कांस्टेबल के बारे में कुछ सूचना दो, तो दोस्तों यही सूचना है कि 3 अप्रैल टेंटेटिव डेट रखा गया है, हो सकता है कि 3 अप्रैल से फिजिकल शुरू हो जाए और आप लोगों का फिजिकल का डेट और एडमिट कार्ड कभी भी अनाउंसमेंट किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।